एवरीवन, इस वाली वीडियो में यार मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कैसे आप GTA San Andreas, GTA Vice City और GTA 3 को अपने आईफोन या फिर आईपैड में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव गाइस मैं आपके सामने इन गेम्स को प्ले भी करके दिखाऊंगा अपने आईफोन पे। जैसे कि आप जानते हैं GTA San Andreas या GTA Vice City, ये सभी गेम्स आपको ऐप स्टोर में पेड देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं GTA San Andreas की बात करूं तो इसका प्राइस ऐप स्टोर में 700 रुपये के आसपास है। लेकिन यार इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस गेम को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपको ऑफिशियल जेन्युइन तरीका बताऊंगा, कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी तरीका नहीं बताऊंगा, जिसमें कि आप इजीली GTA Vice City या GTA San Andreas को अपने आईफोन या फिर आईपैड में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव में आपके सामने प्ले भी करके दिखाऊंगा। तो यार वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जोर देखिएगा। अगर आप यार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जोर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए आईफोन और आईपैड से रिलेटेड वीडियो से लेके आते रहता हूँ। सो गाइस यार सीधा अपने आईफोन की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कैसे आप GTA Vice City या फिर GTA San Andreas को अपने आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव गाइस मैं आपके सामने इसको खेल के भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे हम अपने आईफोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यार यहाँ पे आपको GTA Vice City या GTA San Andreas को डाउनलोड करने के लिए सिंपली करना क्या है, आपको ऐप स्टोर को सबसे पहले ओपन करना है। और ये जो दोस्तों मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये सभी आईफोन या फिर आईपैड में वर्क करेगा। पर्सनली मेरा जो आईफोन है iOS 18 में चल रहा है, तो लेटेस्ट आईफोन पे मैं ये जो प्रोसेस है आपको करके दिखा रहा हूँ। सभी आईफोन और आईपैड में ये जो तरीका है काम करने वाला है। तो आपको करना क्या है यार, ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पे जाना है, और सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है नेटफ्लिक्स। इस तरीके से नेटफ्लिक्स को सर्च करना है आपको। तो यहाँ पे आपको ऐप स्टोर में नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने आईफोन में डाउनलोड करना है, और अगर कोई अपडेट आ रहा है तो अपडेट भी आप एप्लीकेशन को कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी अपडेट करने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसके बाद यार मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यार यहाँ पे आपको जो है ना नेटफ्लिक्स को ओपन करना है। नेटफ्लिक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे यार आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके सामने नेटफ्लिक्स का इंटरफेस इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे यार आपको GTA Vice City, GTA San Andreas और GTA 3 भी देखने को मिल जाती है। तो सिंपली हम करते क्या है, सबसे पहले हम GTA San Andreas पे टैप करते हैं। इसके बाद यार आपके सामने गेट गेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप इस पे टैप करेंगे तो इस तरह का आएगा, आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। इसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा बॉटम साइड में, आपको गेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे यार आपको अपना टच आईडी या फिर फेस आईडी डालना है अपने आईफोन में, तो हम अपना टच आईडी डाल देते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी GTA San Andreas की डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे लाइव में आपके सामने GTA San Andreas को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर साइज की बात करें तो इसका साइज लगभग यहाँ पे 2.85 GB के आसपास है, तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको 5 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में। इसी तरीके से गाइस आप GTA Vice City और GTA 3 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वापसी नेटफ्लिक्स में चले जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, और इसके बाद मैं GTA Vice City पे टैप करूंगा। इसके बाद मैं गेट गेम पे टैप करूंगा तो इस तरह का बॉटम साइड में पॉपअप आएगा, आपको सिंपली गेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना टच आईडी या फेस आईडी डाल देना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल के लिए हम GTA San Andreas को डाउनलोड कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप GTA 3 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर टैप करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे GTA 3 द डेफिनेटिव एडिशन देखने को मिल जाता है, सिंपली हम गेट पे टैप करते हैं और उसका अगेन गेट पर टैप करेंगे तो इस गेम को भी हम इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऐप स्टोर से ही डाउनलोड होती है, ठीक है। ये सारी गेम्स आपको ऐप स्टोर में देखने को मिल जाती हैं। आपको सिंपली यार यहाँ पे नेटफ्लिक्स का अकाउंट चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐप स्टोर पे सर्च पे जाता हूँ, यहाँ पे GTA San Andreas को सर्च करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने GTA San Andreas को सर्च किया तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे आपको 700 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है ऐप स्टोर में, ठीक है गाइस। लेकिन यार अगर आप 700 रुपये में देखेंगे तो नेटफ्लिक्स का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। उनका 200 रुपये के आसपास 1 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, तो कम से कम यार यहाँ पे आप 3 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और इसके साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन गेम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नेटफ्लिक्स में गाइस आपको फायदा ये होगा यार कि नेटफ्लिक्स में आप कॉन्टेंट भी देख पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज आती है। इसके साथ साथ ही आप इन सब गेम्स को भी जो है खेल के एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोस्तों नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं, फैमिली में से किसी मेंबर से मांग सकते हैं नेटफ्लिक्स का अकाउंट। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स में आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद इजीली आप इन गेम्स को यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद इजीली इनको प्ले भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे GTA San Andreas हमारे आईफोन पर डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद सिंपली हम ओपन पर टैप करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले नेटफ्लिक्स देखने को मिलता है, इसके बाद बता रहा है डाउनलोड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फाइल है डाउनलोड करेगा तो सिंपली आप डाउनलोड नाउ पे टैप कर देंगे। तो ये जो फाइल है यहाँ पे 6 GB के आसपास है,
तो यहाँ पे हम वेट करते हैं इस गेम का डाउनलोड होने का। तो गाइस यहाँ पे गेम के फाइल डाउनलोड हो चुके हैं, इसके बाद हमें इस तरह का देखने को मिलता है रॉकस्टार। आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और इसका इस तरह का एक मैसेज दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे गेम स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद आपके सामने इस तरह का आएगा हु इज प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपसे यार नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी मांगा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स के अकाउंट से लॉग इन करना है। लॉग इन करने का हु इज प्लेइंग आएगा, इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप गेम को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह के मैसेज दिखा रहा है। हम यहाँ से थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 5 years on the East Coast. और इधर आप देखेंगे गाइस हमारी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप गेम को इजीली प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे GTA San Andreas लाइव में आपके सामने प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप GTA San Andreas को प्ले करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और मैंने लाइव आपके सामने डाउनलोड करके भी दिखा दिया और लाइव प्ले करके भी दिखा दिया, ठीक है। 100% आप अपने फ़ोन पे यानी आईफोन और आईपैड पे GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3 को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट होना चाहिए या फिर आप नेटफ्लिक्स के अकाउंट को परचेस भी कर लेना। एक महीने का जो प्लान है उनका 199 रुपये का आता है। तो भाई साहब इस तरीके से आप GTA Vice City या GTA San Andreas को इजीली अपने आईफोन या फिर आईपैड में डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने लाइव आपके सामने प्ले भी करके दिखा दिया वीडियो। यार अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका कोई सा भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।